मौसम आज काफी अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है, पीछे से बारिश की आवाज भी आ रही है, लेट्स होप मेरी आवाज साफ साफ आ रही हो। इस वीडियो का टॉपिक दी ऐप ट्रैप, क्या मतलब है उसका? बहुत सारे लोगों को एंड स्पेशली जो फिटनेस में नए हैं, जिन्होंने वर्कआउट करना नया नया शुरू किया है या जिन्होंने थोड़ी रिसर्च कम कर रखी है, वो लोग ये मानते हैं कि एब्स की एक्सरसाइज करने से पेट कम होता है, क्रंचेस करो, लेग रेजेस करो, क्रंचेस और लेग रेजेस के हाई फंडू वेरिएशंस करने से पेट कम होता है। इस चीज को मैं एब ट्रैप कहता हूँ। अगेन, एब ट्रैप इज नॉट अ कॉमन टर्म, मोर और लेस मैंने ही कॉइन करा है। इस चीज को लेकर मैं अपने जिम में काफी लोगों के साथ बात कर चुका हूँ, बहस कर चुका हूँ। कई लोगों को बात समझ में आ जाती है, कईयों को नहीं आती, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस टू यू। पहली बात के मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ऐप एक्सरसाइजेस करने से पेट कम नहीं होता, उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि टारगेटेड वेट लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती। आप अपनी बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को टारगेट नहीं कर सकते वेट लॉस के लिए। ये करने का इकलौता तरीका सर्जरी है, जो लाइपोसक्शन होता है कि आपका पेट से वो फैट निकालते हैं। इसके अलावा टारगेटेड फैट लॉस इज नॉट पॉसिबल। फैट लॉस कैसे होता है? हम खाते हैं, वो कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, वो बॉडी में स्टोर होता है, हम एनर्जी बर्न करते हैं, वो हमारी जो हम खाते हैं वो बर्न करता है, अगर हमारी बॉडी में कुछ स्टोर है वो बर्न करता है, तो ऐसे हमारा बॉडी का फैट लूज होता है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपकी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर आपके कैलोरी इंटेक से ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में स्टोर्ड कैलोरीज बर्न होंगी, विच इज बेसिकली हाउ फैट लॉस वर्क्स। Now, इस प्रोसेस में देर इज एब्सोल्युटली नो वे ऑफ यू टू आइडेंटिफाई और टू पिनपॉइंट कि मुझे यहाँ से वह फैट लॉस करना है या पेट से करना है या थाई से करना है, तो ऐसा बिना सर्जरी के पॉसिबल नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब हम आर्म्स की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं, जब हम बैक एक्सरसाइज करते हैं तो बैक बनती है, चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं पेक्स बनते हैं, स्क्वाट्स करते हैं तो हमारे क्वाड्स बनते हैं। तो हम ये कैसे मान लेते हैं कि हम एब्स एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा? ये तो रहा कि मेरे अकॉर्डिंग ऐप ट्रैप क्या होता है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है, उसके क्या रीजंस हैं, ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है। पहली बात ये है कि लॉजिकली ठीक लगता है ये सुनने में कि मैं पेट की एक्सरसाइज करूंगा मेरा पेट कम हो जाएगा। दूसरा, इफ यू आर समवन हु हैज जस्ट जॉइन द जिम, आप जिम गए, आपने ज्वाइन किया, आपको ट्रेनर असाइन हो गया, आपका ट्रेनर आपको प्रोग्राम बनाएगा, मंडे को वो आपसे चेस्ट कराएगा, ट्यूसडे को बैक कराएगा, वॉट एवर द प्रोग्राम इज, इस प्रोग्राम में इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर एब एक्सरसाइजेस जरूर होंगी। देर आर ट्रेनर्स हु विल हैव डेडिकेटेड डे फॉर एब्स। आई नो पीपल हु हैव जस्ट जॉइन द जिम, जो आए पूरे उन्होंने एब्स करी और वो चले गए, कुछ कार्डियो किया एब्स करी वो चले गए। अब ट्रेनर क्यों एब्स करवाता है? ट्रेनर एब्स इसलिए करवाता है कि अब आप आए, आपने क्रंचेस करे, आपने लेग रेजेस करे, आपके एब्डोमिनल मसल्स में दर्द होगा ऑब्वियसली, तो आपके माइंड को लगेगा कि रिजल्ट आ रहा है। ट्रेनर आपको अपनी एग्जिस्टेंस या अपने वर्थ जस्टिफाई करने के लिए आपसे यह करवाता है, इसीलिए क्योंकि अब ये साइकिल बन जाती है कि हमने 5 क्रंचेस करे, पेट में दर्द हुआ, हमें लगा हाँ कुछ कुछ हो रहा है। एब्डोमिनल मसल्स जो सालों साल से या कभी यूज नहीं हुए थे वो यूज हुए, तो ऑब्वियसली जिन्हें हम डॉम्स कहते हैं अगले दिन दर्द होगी। फिर हमने अगले दिन 6 करे, 7 करे, 10 करे, तो हमें लग रहा है कि हो रहा है। सेकेंडली, एब्डोमिनल मसल्स बिल्ड हो रहा है तो पेट थोड़ा सा टोन हो जाता है, तो हमें लगता है कि काम भी कर रहा है, तो हम करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम हाई फंडू वेरिएशंस ले आते हैं एक्सरसाइजेस में। मैंने लोगों को इतनी एब्स्ट्रैक्ट और इतनी वियर्ड तरीके के क्रंचेस, तो खुद ही अपने वेरिएशन, कभी पैर पे डंबल रख लेंगे, कभी पेट पे वेट रख लेंगे, जस्ट बिकॉज नॉर्मल क्रंचेस अब उनको वो फीलिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो रही क्यों लगता है लोगों को कि ऐसा हो सकता है क्रंचेस करने से पेट कम। अब दूसरी बात लॉजिकली, अब आप ये पूछोगे कि अखिल तो तुम रोक क्यों रहे हो, बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ऐसे है, पहला नुकसान, शुरुआत में तो बहुत बढ़िया लगता है, पेट टोन हो रहा है, दर्द हो रहा है, एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि सब्सिक्वेंटली क्रंचेस करके लेग रेजेस करके आपको पता नहीं चलेगा, कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। आप 100 क्रंचेस कर लोगे, आपको डॉम्स नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरीके से लेवल अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपको लगेगा कि जिसको प्लैट्यू कहते हैं वो वैसे नॉर्मल वेट ट्रेनिंग में भी आता है, पर यहाँ आ जाएगा आपको लगेगा कि यार अब मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, अब मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, हो सकता है आप इस चक्कर में वर्कआउट करना छोड़ दो। दूसरा, बार बार मैंने ये कहा है कि लोग लेवल अप करने के चक्कर में किसी भी किस्म की उल्टे सीधे अपने हिसाब से वो डाल लेते हैं डिफिकल्टीज, कभी कहीं क्रंचेस कर डंबल रख लिया, कभी कहीं प्लेट रख ली, इससे कुछ डिफरेंस नहीं आता। डिफिकल्टी बढ़े ना बढ़े, आपके चांसेस ऑफ इंजरिंग योरसेल्फ जरूर बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर ये देखो, इस तरीके से लोगों को क्रंचेस करते हुए मैंने कई बार देखा है। यहाँ लोग कुछ नहीं कर रहे, अपना सर पकड़ के अपनी गर्दन को खींच रहे हैं, जो गर्दन की बीमारी हो
होती है स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, नॉट श्योर, वो करने का सबसे आसान तरीका है। देखो पेट कम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस जरूर हो जाएगा, बैक एक जरूर हो जाएगी, लोग इंक्लाइन करके क्रंचेस करने की कोशिश करते हैं, वो एब्स से खींचने के बजाय बैक को ट्विस्ट करके खींचना कोशिश करते हैं, जर्क करते हैं, फैट लॉस तो हो नहीं रहा, इंजरी हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद ये भी काम नहीं करेगा तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी, तो एग्जैक्टली फायदा क्या है। नाउ इस पॉइंट पर इट माइट सीम के मैं काफी ज्यादा अगेंस्ट हूँ एब एक्सरसाइजेस के, लेट मी बी वेरी क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है, एब एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एब एक्सरसाइजेस सही होती हैं, अगर आपको एब्स बिल्ड करनी है तो करनी चाहिए और एब्स एक्सरसाइजेस सभी को करनी चाहिए। मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ए अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, एब एक्सरसाइजेस करने से एब्स बिल्ड होंगी, हो सकता है दिखे ना, अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फैट है पेट में, आप एक्सरसाइजेस करोगे आपकी एब्स बिल्ड होंगी, वो फैट के नीचे रहेंगी पर आपको दिखेंगी नहीं, वो आपको बाकी एक्सरसाइज में सपोर्ट करेंगी, एब्स कोर हर एक्सरसाइजेस में काम आता है, विजिबल एब्स बने ना बने एब एक्सरसाइजेस सही से करने से फायदा तो होता ही है, पर एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं टमी कम कर लूँ अपना, मैं फैट लॉस कर लूँ अपना, वेट लॉस कर लूँ, गए घंटों एब्स की एक्सरसाइजेस करी, उससे काफ़ी बेटर होगा आप इतना टाइम एनर्जी और एफर्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ट्रेडमिल पर, रनिंग पर, स्किपिंग पर, जुम्बा, व्हाटएवर उसमें लगाओ। फैट लॉस करने के तीन तरीके हैं, ए आप अपना कैलोरी इनटेक कम करो, दूसरा आप अपना कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, विच इज बेसिकली ऑल एक्सरसाइजेस, आप कुछ भी एक्सरसाइज करोगे कैलोरीज बर्न होंगी, आप एक्सरसाइजेस में आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाओगे जितना प्रॉबेबली आप ट्रेडमिल पे भागे कर सकते हो, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइजेस करो, इन तीन के बियॉन्ड कोई तरीका नहीं है फैट लॉस करने का। स्पेसिफिकली मैं हजार भी बार कह रहा हूँ, एब्स करने से पेट का फैट कम नहीं होता, किसी का कभी नहीं हुआ है, अगर ऐसा होता होता इस दुनिया में कोई मोटा नहीं होता, हर किसी को पता होता है एब्स करने से हम पतले हो जाएंगे, अगर सिर्फ टमी फैट लूज करना है हर कोई कर लेता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मोटा मोटा जिसने थोड़ी बहुत भी रिसर्च कर रखी है फैट लॉस और एक्सरसाइजिंग के बारे में, मोटा मोटा यही व्यू है। इफ़ यू थिंक दैट आई एम रॉन्ग, I am more than happy to have a discussion with you. Just mention it in the comment section below. अगर आपने मेरे को substantial information, substantial studies proof के साथ गलत proof कर दिया तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। यही सोच के, ये जो मेरी सोच है जो मैंने अभी शेयर किया, यही सोच के मैं abs नहीं करता। मेरा core workout squats, deadlift में मेरे को लगता है काफी हो जाता है। मैं खुशी खुशी retraction video भी बना दूंगा, sorry भी बोल दूंगा, पर मैं 100% certain हूँ कि जो मैंने information अभी इस video में share करी है वो करेक्ट है और आपको ये फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज ठीक से करना है और अपने आप को इंजरी फ्री रखना है। एक बार इंजरी हो जाएगी वर्कआउट लाइफ टाइम के लिए खत्म हो सकता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, थम्स अप कर देना ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी वीडियो को मिल जाए, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आई एम श्योर यू मस्ट नो समवन हु थिंक्स के भाई बहुत मोटा हो गया हूँ, एब्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं, वो मशीन आती थी ना टीवी पे, आती थी एब रोलर, एब कर पता नहीं क्या नाम था, वो भी यही फंडे बेच के बिकती हैं। चलो खत्म करते हैं, मैं तो बोलता ही रहूंगा, हैव अ गुड डे।